अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुनीब हुसैन है। मैं CDRS कम्प्रीहेंसिव डिजास्टर रिस्पॉन्स सर्विसेज एनिमल वेलफेयर एंड रेस्क्यू सर्विसेज एज अ वेटनेरियन और फैसिलिटी मैनेजर इधर जॉब करता हूँ। आगे जैसे कि आपको पता है कि कुर्बानी की ईद आ रही है, बड़ी ईद है, तो इसमें जो बड़े जानवरों की जो दो बीमारियाँ हैं जिनके बारे में अक्सर जिक्र किया जाता है कि लंपी स्किन डिजीज़ और कोंगो वायरस, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा। जो कि लंपी स्किन डिजीज़ है ना, ये एक जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। जूनोटिक डिजीज़ वो होती हैं जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो लंपी स्किन डिजीज़ में एक तो ये हमारे लिए जो दिक्कत बन सकता था कि ये एनिमल टू ह्यूमन हमें अगर लग सकती है, अगर हम जानवर को ज़िबा करते हैं तो हमें ये नहीं ट्रांसफ़र होगी। दूसरा, लंपी स्किन डिजीज़ जो है ये सिर्फ एनिमल टू एनिमल ट्रांसफ़र होती है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें आपका जानवर का जो गोश्त है ना, वो समझ लें कि बिल्कुल ख़राब नहीं होता, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। ठीक है, लंपी स्किन डिजीज़ में आपके मीट की क्वालिटी कम हो जाएगी, आपके जो एनिमल है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उसका वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, और जो एनिमल्स है ना, वो आपका दिन ब दिन मतलब इमेसिएटेड होता चला जाएगा। लेकिन एज सच ह्यूमन ट्रांसफ़र नहीं है इस डिज़ीज़ का, तो इसलिए ये हमारे लिए इतना ख़तरे की डिज़ीज़ नहीं है लंपी स्किन डिजीज़। लेकिन जो कोंगो वायरस है, वो कोंगो वायरस डेडली वायरस है, क्योंकि ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, जूनोटिक वायरस है, और ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जो इसका ट्रांसफ़र करने का रोल प्ले करते हैं वो टिक्स भी हैं, जो बाइटिंग टिक्स होती हैं, माइट्स हो गए, मॉस्किटोज़ हो गए। अगर इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन को बाइट करती हैं देन भी ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है उस एनिमल से, मतलब अगर आप स्लॉटर करते हैं ऐसे एनिमल को जो कोंगो से इन्फेक्टेड है, तो अगर आप बुचर वगैरह का डायरेक्ट होना था जो ब्लड इन्फेक्टेड है, तो अगर वो आपके किस जिस्म के किसी हिस्से पर अगर कोई कट वगैरह है, तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, आपके खून में चला जाएगा, तो तब भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और उसकी जो कोंगो वायरस से अगर आप इन्फेक्टेड होते हैं तो उसकी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी है, तो यानी कि 50% से ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है आपके, मतलब ये आप इससे महफूज नहीं रह सकते। तो इसके लिए हमें ये है कि जो भी जानदार हमें लगते हैं, इनका जो दोनों का कोंगो वायरस और जो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस है ना, ये फैलती टिक्स, मॉस्किटोज़ और बाइट्स हैं। तो हम मेक श्योर कर सकते हैं कि अगर हमारे एनिमल पे कोई टिक्स तो नहीं है, आप उसको वक्तन फ़वक्तन आप एनिमल घर ले हैं, आप उनको टिक्स रिपेलेंट मिलते हैं, ठीक है, फ्रंट लाइनर है मुख्तलिफ़ किस्म के जो टिक्स और मॉस्किटोज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो इस तरह से ना इन दोनों वायरसेस की हम ना प्रिवेंट कर सकते हैं। आप अपनी हफाजत इसी तरह कर सकते हैं। देखिए, आपको मैंने जैसा कि बताया है कि कोंगो वायरस में ये है कि अगर कोई एनिमल इन्फेक्टेड है कोंगो वायरस से, अगर आप उसको स्लॉटर करते हैं, ज़्यादातर जो होता है ना इनका, जिनको ज़्यादा ये फेस करना पड़ता है, वो ज़्यादातर बुचर हैं, किसाई हैं, जिनका इनका जिसके जिस एनिमल का डायरेक्ट ताल्लुक है, फार्मर है, किसान है, और इस तरह के हम जो लोग कुर्बानी पे जानवर लेते हैं, अब हमें अंदाज़ा नहीं होता इस चीज़ का कि ये इन्फेक्टेड है कि नहीं। तो इसमें ये है कि आप तो एक तो बुचर को भी, जो आप कसाई बुलवाते हैं उससे भी आप कहें कि एहतियाती तदाबीर, ग्लव्स वगैरह लगा के फिर इसको ज़िबा करें, ताकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो अगर आपके किसी जिस्म के हिस्से पे कोई ज़ख्म है। दूसरा ये कि आप देखें कि मक्खी या कोई टिक्स ऊपर चिचड़ तो नहीं लगे हुए जानवर के। आप जब जानवर लेके आए कुर्बानी वाला, उसे पूरा गौर करें, और उसके बाद उसको अगर इस तरह का है कि चिचड़ वगैरह हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं, तो उसको स्प्रे मिलते हैं डिफरेंट, वो आप उसके साथ उनको अपने एनिमल को वो टिक्स रिमूव कर दें। मुख्तलिफ स्प्रे हैं, जो फ्रंट लाइनर हो गया एक, और आप इसके लिए डिफरेंट केमिकल्स भी हैं, आई डी मेथ भी यूज़ कर सकते हैं, पूरी बॉडी को आप उसकी ना भैंस और कैटल की धो सकते हैं, जिससे ये टिक्स वगैरह नहीं आएंगी और इसके जो चांसेस हैं फैलने के वो कम होंगे।